हमारी चेहरों पे ना दहशत बहुत ज़्यादा है, वो आपको पता लग ही गया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चेहरे पे, हमारी फैमिली के चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा दहशत है, पूरी फैमिली पे ना। मतलब देखें, इतनी ज़्यादा दहशत है, मेरी अम्मी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा दहशत है कि आप उनसे दूसरी दफ़ा सालन नहीं मांग सकते। अब्बू के चेहरे पे इतनी ज़्यादा दहशत है कि अम्मी आज तक अपना हक मेहर नहीं मांग सकी। और मेरा भाई, मैं आपको बताऊं, वो जाके स्कूल में बैठता ना, कोई उसके साथ बैठ नहीं सकता। उसका दहशत का मसला नहीं है, नहाता ही नहीं है बेगैरता। ऐसा नहीं है कि सारे ही दहशत, लेकिन खैर दहशत इतनी ज़्यादा चेहरों पे दहशत। आप देखें, हमारे घर में एक दफ़ा डाकू आ गए, तो डाकू कन्फ्यूज़ हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आई कि इनकी टीम कौन सी है, हमारी टीम कौन सी है। कन्फ्यूज़ रहे कि यार ऑप्रेसर्स कौन है और ऑप्रेस्ड कौन से हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हमारा सामान लूट लूट के हमें ही दे जा रहे हैं। मतलब अब्बू की फाइलें लूटी, अम्मी को दे दी, अम्मी की शलवारें लूट के छोटे भाई को दे दी, मेरे से कुछ नहीं मिला तो मुझे गालियां दे दी। अब उन्हें लगा कि हम भी उनकी टीम है। लग इंसान को कुछ भी सकता है। आप देखें कि मेरा ये जो फलसफा है ना, ये खैर अभी जो है आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही कुछ चवल आदमी है यहाँ पे आके बकवास करी जा रहा है, वो भी बात ठीक है वैसे, लेकिन मेरा ये जो फलसफा है ना, ये बहुत ज़्यादा अब फैलता जा रहा है दुनिया में सक्सेसफुली। मतलब आप देखें कि एक वैसे भी इंटरनेशनल एक फ़लसफा है, ईरान में ना एक बहुत मशहूर मुसन्निफ़ हैं, शायर, उनका नाम है रशीद खुंगी जी। तो वो अपने गांव में बैठ के ना जब पाथियाँ बना रहे थे ना गोबर से, आपको पता ना पाथियाँ क्या होती हैं, पता है आपको? हाँ, ये पाथियाँ बना रहे थे गोबर से। पाथियाँ असल में हमारे मौलवी हजरात बहुत अच्छी बनाते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बुलशिट इनटू फ्यूल। तो अपने गांव में बैठ के वो पाथियाँ बना रहे थे, तो उन्होंने फारसी का एक बहुत मशहूर शेर कहा, वो बड़ा मशहूर हुआ बाद में। वो शेर ये था कि ता असना गोयद पाथियम एक छोटियम एक मीडियम। इसका मतलब यही है, इसकी तशरीह यही है कि लग कुछ भी सकता। इसी तरह एक चाइनीज प्रोवर्ब है, अभी मुझे याद आ गई खड़े खड़े, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो है माशी का चाँव शांची का पाँव। इसका भी मतलब यही है, लग कुछ भी सकता। और मैं भी देखें, मैंने एरिस्टोटल की जब बहुत सारी किताबों के ऊपर पकौड़े रख के खाए ना, तो मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा कि लग कुछ भी सकता है इंसान का।